दुष्यंत जी जेल में गए और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उनकी पीठ थपथपाई। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला द्वारा जो मुलाकात थी उनकी लिस्ट दी गई, उस लिस्ट में इनका नाम ही नहीं है, तो वहां जेल में कैसे मिल गए? और मैं एक रिकॉर्ड की बताऊंगा आपको, जिस दिन की मिलन की बात कह रहे हैं उस दिन दुष्यंत दिल्ली में भी नहीं है। जैसे धीरेन्द्र जी, आप दुष्यंत जी की बात कह रहे हैं, दुष्यंत जी की ज्यादा विस्तार में तो मैं नहीं जाना चाहूंगा। वैसे इन्होंने, इनका प्लान आज से नहीं थी तो 4 साल से प्लान थी इनकी, और जो भी किया इन्होंने जानबूझ के किया। आप जैसे आप कह रहे हैं मुलाकात की बात है, एक तरफ तो इन्होंने जींद में 9 दिसंबर को जो रैली की, और रैली के अंदर इन्होंने दूसरे व्यक्तियों से ये कहा गया कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का युग जा चुका है, और होल्डिंग में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का फोटो नहीं लगाया गया, और ये कहा गया कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला INLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसलिए हम फोटो नहीं लगा रहे। हम आपके चैनल के माध्यम से दुष्यंत जी से पूछना चाहते हैं कि दुष्यंत जी भी तो INLD के सांसद है, उनकी माता अन्नन्ना चौटाला वो भी INLD की MLA है, उनके कैसे होल्डिंग पर फोटो लग गए? चौधरी ओम प्रकाश चौधरी देवलाल जी इस पार्टी के संस्थापक रहे, उनके कैसे होल्डिंग में लग गए? उस टाइम तो ये बात करते थे कि हम चौटाला का होल्डिंग में फोटो नहीं लगाएंगे। जब चौधरी अभयजी चौटाला प्रतिपक्ष के नेता, जब उनकी जन अधिकार रैलियों में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आने लगी, अब उनको चौटाला याद आने लग गए। अब कहते हैं कि दुष्यंत जी जेल में गए और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उसकी पीठ थपथपाई, लेकिन ये सब झूठ है, क्योंकि जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला द्वारा जो मुलाकात थी उनकी लिस्ट दी गई, उस लिस्ट में इनका नाम ही नहीं है, तो वहां जेल में कैसे मिल गए? और मैं एक रिकॉर्ड की बताऊंगा आपको, जिस दिन की मिलन की बात कह रहे हैं उस दिन दुष्यंत दिल्ली में भी नहीं है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। फिर इसके पीछे क्या रीजन, क्या मान के चल रहे हैं, क्यों किया गया ये प्रोपेगेंडा? ये प्रोपेगेंडा है, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगा, मैंने रोहतक का भी बताया, जो यहाँ साथी आ गए हमारे, जींद से भी गए, मेरे हल्के से भी गए, जो लोग हमेशा हमारी पार्टी के प्रत्याशियों का विरोध किया करते थे, टिकट चाहते थे, टिकट उनको मिलती नहीं थी, हमारे प्रत्याशियों का विरोध करते थे, 80% लोग वो उनके साथ गए हैं। अगर 10-15% लोग, बढ़िया लोग उनके साथ चलेंगे, हम उनको मनाने का काम करेंगे, हमारी कोशिश है, और वो समझने भी लग रहे हैं और वापिस भी आने लग रहे हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊंगा कि पलवल के हमारे हल्का अध्यक्ष सुरेंद्र जी शौक, वो वापिस आ गए हैं, हमारे इसराड़ा हल्का से लखपत रोड जी थे वो वापिस आए हैं, INSO के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संदीप नायक जी वापिस आए, और भी आने हर रोज हम देखने लग रहे हैं। और शायद जो 17 फरवरी को है सी के अंदर रैली रखी गई है, वो रैली इतनी जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ होगी, उस रैली के बाद इनका कोई नाम लेना नहीं बचेगा।